वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम वसीम खान। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज़ टू का आगाज़ हो चुका है, तो बग़ैर टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। जैसे आप अपने ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 पंजाब, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट ही आपने ओपन कर लेनी है। मैं इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको न्यू टैब पे ओपन करूँगा तो ये मेरे पास नेशनल नोबल टेस्टिंग प्रोसेसिंग एजेंसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये कि तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2021 फेज़ टू का आगाज़ हो चुका है। यहाँ से आप अपना ऐड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की वो 28 अक्टूबर 2021 है। सिलेबस पैटर्न आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है रोल नंबर स्लिप्स का, वो अभी नहीं है। टेस्ट डेट, टेस्ट रिजल्ट और पोजिशन ऑर्डर लिस्ट, इसका भी क्राइटेरिया अभी आपको नहीं पता, इसको रहने दें। आप यहाँ से अपना ऐड डाउनलोड करें और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आपका जो टेस्ट होगा वो यहाँ से आप उसका पैटर्न चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ऐड की, तो तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 पंजाब में फेज़ टू का आगाज़ हो चुका है। इसके अंदर जो है सिलेक्शन जो होगी वो ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगी और इसके अंदर जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है दरख्वास्त जमा करवाने की वो 28 अक्टूबर 2021 है। इसके अंदर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो इसके अंदर बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीएससीएस, बीएस नर्सिंग, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, एमए, एमएससी, बीआर, डीवीएम, डीपीटी, सीएस, एसीसीए, एमकॉम, एमबीए एंड एलएलबी के अंदर, ये डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आप अपने तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले यहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको फिल करके आपने TCS करवाना होगा। इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने TCS करवाने होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी इनका क्राइटेरिया होगा। उसके बाद जैसे ही आप जमा करवाएंगे और उसके साथ चलान फॉर्म भी यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मिलेगा, जो कि आपने बैंक ऑफ पंजाब या UPL की किसी भी ब्रांच के अंदर आप वो चलान फीस जो है ना वो जमा करवाएंगे। उसके बाद आपको थोड़े दिनों तक आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा आपकी टेस्ट का। देन आपका फिज़िकल या ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है। उस टेस्ट के बाद आपका क्या क्राइटेरिया होगा, जैसे आपको वो टेस्ट पास करेंगे उसके एक दो हफ्ते बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। देन आपको आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अगर तो आप जो है पोजीशन होल्डर, अच्छे मार्क्स हुए, देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको बाजरिया ईमेल, बाजरिया थ्रू SMS आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका जो टोटली क्राइटेरिया है वो ओपन मेरिट है। और इसकी जो अगर हम बात करें इसकी स्कॉलरशिप की माकुल मालियत की, जो कि आलमोस्ट 6 लाख जो है ना, वो इसकी आलमोस्ट तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कुल मालियत बताई जा रही है और लिखा भी हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की कुल मालियत 6 लाख के लगभग इतनी ही बनती है। तो जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फेज़ टू के अंदर अप्लाई करें। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बगैर टाइम वेस्ट किए इसको ओपन करें, देन इसके अंदर अप्लाई करें और जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे, उसको उसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।